दोस्तों नमस्कार, फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल इलेक्ट्रिक ऑल वर्क इलेक्ट्रिशियन में। दोस्तों मैंने अपना चैनल का नाम चेंज कर दिया है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक वर्क की सारी वीडियो हैं। और दोस्तों मैं आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें स्लैब पाइपिंग या छत में या लेंटर में पाइप कैसे डालते हैं, ये हम अभी फैन बॉक्स और कंचित बॉक्स में पेपर भर रहे हैं। पेपर जितना ज़्यादा भरोगे तो उतना मसाला कम आएगा फैन बॉक्स में या कंसील लाइट में, आपको बाद में दिक्कत नहीं आ सकती है। फैन बॉक्स में लोग बहुत सारे लोग पहले मिट्टी डालते थे, लेकिन अब पेपर का यूज करते हैं। पेपर से मसाला बिल्कुल भी नहीं जाता है, जहाँ पाइप का छेद होगा उसी। दोस्तों अब हम आ गए हैं लेंटर में। ये लेंटर में पहला बल्ब उतार रहे हैं, इसको पहला बैंड उतारेंगे। यहाँ पे पहला बल्ब लग जाएगा, कमरे का पहला है। ये हमारे दोस्त मंतोष कुमार हैं, जिनका एक बहुत बड़ा चैनल है खालसा इलेक्ट्रिक, बहुत मशहूर चैनल है, अच्छी वीडियो बनाते हैं। ये फैन बॉक्स है, बीच सेंटर में डाल रखा हमने। यहाँ से पहला बल्ब ये उतर गया, ये बैंड उतार दिया इसका नीचे को। यहाँ पे साइड में एक बल्ब का पॉइंट बन जाएगा और बोल्ट का बन जाएगा। ये हमारा फैन बॉक्स आ गया, पहला पॉइंट हमारा उतर गया जैसे डालेंगे नाप के। अब यहाँ से दूसरे साइड में, जो यहाँ से दूसरे बल्ब के लिए दे देंगे पॉइंट। एक फैन बॉक्स से उतर गया, एक फैन बॉक्स हमने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से फिर दूसरे फैन बॉक्स को आपस में जोड़ देंगे, ये सप्लाई है बीच की। एक फैन बॉक्स से दूसरे फैन बॉक्स को जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ से सप्लाई दूसरे फैन बॉक्स में चले जाएगी। ये लंबा लंबा पाइप डाल दिया है, इस फैन बॉक्स से इस फैन बॉक्स को जोड़ देंगे आपस में। ये दोनों फैन बॉक्स को जोड़ दिया, दो तीन बल्ब साइड में उतार के दूसरा फैन बॉक्स जोड़ने हैं। यानी कि इस कमरे की सप्लाई ब्रांडे वाला किचन वाला जो हमारा फैन बॉक्स है, किचन वाला है, इसको आपस में जोड़ के सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगी। इस कमरे की सप्लाई यहाँ दे देंगे। यहाँ से इसको काट के मतलब फैन बॉक्स को दूसरे फैन बॉक्स से जोड़ देंगे आपस में। यहाँ की सप्लाई इस फैन बॉक्स से आएगी। इजी तरीका होता है वैसे स्लैब पाइपिंग का, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कैसे फैन बॉक्स कैसे मतलब स्लैब पाइपिंग छत में या लेंटर में पाइप डालें। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियो बनाने में, लेकिन क्या करें, हमारे भी तो इतना टाइम नहीं रहता है, फिर भी आप लोगों के लिए कोई ना कोई वीडियो लेके आते हैं। ये फैन बॉक्स आपस में जुड़ गया है, यहाँ से दूसरा। यहाँ पे शायद वीडियो वही दिखा रहे हैं, फैन बॉक्स से फैन बॉक्स को जोड़ रखा है, यानी कि ये वही मतलब पूरा सीन दे रखा है, आपको दूर से दिख जाएगा कि क्लियरिटी अच्छी है। यहाँ से इसका किचन का साइड में एक छोटा सा स्टोर रूम है, उसकी सप्लाई और उसका बल्ब यहीं से उतर जाएगा किचन के जो बगल में है। यहाँ पे छोटा सा एक स्टोर रूम है, उसकी सप्लाई भी और उसके लिए बल्ब के लिए भी, किचन का बल्ब भी बन जाएगा और उसका बल्ब भी बन जाएगा। जो दीवार होती है थोड़ी सी ईंट को ज़्यादा काट लेना, इसलिए आपका बैंड नीचे बैठ जाएगा पूरी पूरी तरह से। बैंड को दोबारा जब नीचे से कटिंग करोगे तो बैंड प्रॉपर नीचे आपको दिखाई देगा। साइड में 4 इंची की दीवार है, आधी ईंट काट देते हैं एक तरफ से, क्योंकि दीवार के ईंट दीवार में बैंड अंदर होना चाहिए। अंदर होगा तो बाद में आपको कटिंग में दिक्कत नहीं होगी, अगर बाहर होगा तो वो पाइप बैंड। उसी का बल्ब निकल दिया, और पाइप जो उठ जाता है उसको तार से बांध देना होता है, इसलिए फैन बॉक्स को उठाए ना। ये हमारा एक रूम और किचन और एक स्टोर रूम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से ये बोर्ड के लिए किचन का दो दरवाजे के सामने दीवार है, उस पर बोर्ड उतार दिया।
यहाँ से जो ब्रांडे में फैन बॉक्स है, किचन के फैन बॉक्स से ब्रांडे के फैन बॉक्स तक सप्लाई सीधी सीधी हो गई हमारी। ये ब्रांडे का फैन बॉक्स है, यहाँ पे ये ब्रांडे का फैन बॉक्स तक सप्लाई आ गई है। कमरे से किचन में गई, किचन से ब्रांडे तक पहुँच गई। ये जो सीधा सीधा फैन बॉक्स जोड़ा है, इसमें सप्लाई की, ये पाइप सप्लाई का होता है हमारा, जिसमें मेन सर्किट हमारा एमसी बॉक्स से पहले इधर से आएगा, यहाँ पे ब्रांडे में आएगा, ब्रांडे से किचन वाले फैन बॉक्स से, किचन से कमरे वाले फैन बॉक्स में चले जाएगा। ये तीन फैन बॉक्स हमने आपस में जोड़ दिए साइडों में बल्ब उतार के, और बोर्ड के लिए भी एक बैंड हमने उतार दिया दरवाजे के सामने कि बाद में कटिंग में दिक्कत ना आए। इसको हमने बांध लिया। ये दूर से सीन लिया हमने कि देखे इधर साइड को, ब्रांडे का साइड में बल्ब उतार रहे हैं। ये ब्रांडे के जो साइड में एक बल्ब लगेगा दूसरे कमरे के बाहर, उसकी सप्लाई है ये। वहाँ पे साइड में एक बैंड उतार देंगे। यहाँ पे एक बाथरूम है, बाथरूम के साइड कोने में एक बैंड छोड़ देंगे कि बाथरूम की सप्लाई इस फैन बॉक्स से बाथरूम की तरफ चले जाएगी। बाथरूम में जो भी पॉइंट आपको देना है इस बैंड से दे सकते हैं। ये बैंड बाथरूम, यहाँ पे दो बाथरूम है, बाथरूम में आप दे सकते हैं। ये बैंड उतार दिया हमने यहाँ से। ये ब्रांडे के फैन बॉक्स से ये बैंड साइड में उतर जाएगा, जो दोनों बाथरूम को बाथरूमों में कवर कर लेगा। नीचे से कटिंग होके दूसरे बाथरूम में भी सप्लाई चले जाएगी। थोड़ी साइडों में काटने के लिए टाइम लगता है, पूरा पूरा काट लेते हैं हम, जो कि हमारा बैंड पूरा पूरा ये बैठ गया है। उसके बाद नाप की पाइप काट दिया और बैंड यहाँ पे साइड में डाल दिया। ये बाथरूम की सप्लाई उतर गई। हमारे दोस्त बहुत मुस्कुरा भी रहे मनी मन। यहाँ से एक पाइप सीधा, सर्किट थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगे, एक पाइप डायरेक्ट हम एमसी बॉक्स में ले जा रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि एक पाइप तो दूसरे फैन बॉक्स से चले गया। ये साइड में एमसीबी बॉक्स के लिए यहाँ पे बैंड सारे बोल्ट सारे कमरों के सर्किट यहाँ पे उतार देंगे। यहाँ पे थोड़ी चार या पांच बैंड आएंगे, तो इसलिए ज़्यादा ईंट काटनी पड़ती है। यहीं पे हमारा नीचे जो मोमटी सीढ़ियाँ होंगी उस पर हमारा फैन बॉक्स मतलब एमसी बॉक्स उतर जाएगा। एक बैंड तो इस कमरा किचन और बरांडे का एक सर्किट, दो पाइप आ चुके हैं। एक पाइप हम ये डाल रहे हैं, एक पाइप जो फैन बॉक्स से बरांडे का दूसरा फैन बॉक्स से आएगा वो पाइप भी यहीं उतार देंगे। और दो कमरे दो दुकानें उसका सर्किट अलग आएगा, उसका
हम साइड से, यह हमारा एक तरफ का मतलब उतर चुका है। एक कमरा, एक किचन, स्टोर रूम, बाथरूम और दो बाथरूम, सबका ये सर्किट यहाँ से साइड में बैंड उतर गया। और एक ये फैन बॉक्स यहाँ से बरामदे का जो फैन बॉक्स है उससे उतर जाएगा। यहाँ पे भी हमने बरामदे से मोमटी के बगल में थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे भी एक फैन बॉक्स डाल रखा। हमें दूसरे सप्लाई मिलाने के लिए दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि एक तरफ का पोजिशन हमारा कम्प्लीट हो चुका है। जो हमने पाइप उतारने थे, जहाँ उतारने थे बल्ब के, जो भी है ये दूसरा बरामदे का दूसरा फैन बॉक्स है। ये हमारा किचन वाला फैन बॉक्स है, आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा, मतलब ये किचन का फैन बॉक्स हो। और ये है कमरे का जो हमारा साइड में, यहाँ पे ये जैसे फैन बॉक्स के जड़ में बांध देना चाहिए कि फैन बॉक्स उठे ना। अच्छी तरह तार से फैन बॉक्स हमने बांध दिया पूरा पूरा पूरे तरीके से, कि फैन बॉक्स मसाले से उठ ना जाए, अगर उठ जाए तो दिक्कत आती है इसमें। ये दूसरा वाला पाइप भी जो है, सारे पाइप यहाँ पे फैन बॉक्स के जड़ में बांध लेना चाहिए। हमारे पास तो प्लास ही होता है, इसलिए हम प्लास से ही टाइट करते हैं। बहुत सारे लोग कुंडी हो गया बांधने का नहीं है, और भी कई जुगाड़ आते हैं इसको टाइट करने के तार को, लेकिन हम लोगों के पास तो प्लास ही इजी होता, प्लास से कर लेते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो में मालिक का काम है, छत में पाइप कैसे डालते हैं या स्लैब पाइपिंग कैसे करते हैं। जान सजना, ये वाला हमारा जो एरिया है दूसरे कमरे का, दूसरे साइड का एरिया है, इसमें दो कमरे, तीन कमरे आ गए हैं। इधर का सर्किट तो अलग हो गया, इधर का अलग हो गया, तीन कमरे हमने ऊपर का सारा निकाल दिया। पाइप दूर से आपको दिख रहे हैं कि किधर किधर।